हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज हम पाइथन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन, और मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने में और जो हैकर्स हैं आजकल सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समझते हैं इसमें एक डेटा टाइप जो कि टपल है, वो टपल के बारे में। देखिए, ये टपल जो होता है, टपल्स आर जस्ट लाइक लिस्ट, लिस्ट के जैसा ही होता है, लेकिन इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स माने कि इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते आप इनको अपडेट नहीं कर सकते, इनको चेंज नहीं कर सकते। इट्स मीन यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। जबकि लिस्ट की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यू कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ लिस्ट, यानी कि लिस्ट की वैल्यू को तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन टपल की वैल्यू को अपडेट नहीं किया जा सकता। आइए समझते हैं कि टपल पर हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पाइथन ओपन कर लेता हूं। पाइथन का जो कोड एडिटर है उसको मैं ओपन करता हूं, और इस पर अब हमें काम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक टपल हम बनाते हैं, ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं टपल, ठीक है, टपल लिख दिया, और टपल वन नाम से हम एक टपल बनाते हैं और इज इक्वल टू करके, और इसको स्मॉल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस में लिखना है। जो भी लिखना है डेटा हमें स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ SURAJ सूरज कॉमा, और यहाँ पर फिर डबल इंटेड कॉमा में लिखना है राम RAM। जितनी भी वैल्यूज को आप एक्सेस करना चाहते हो, देना चाहते हो, वो दे सकते हो। इसके बाद फिर यहाँ पर देते हैं सुमित, फिर कॉमा दीजिए रितेश, यहां दे देंगे RITESH, ठीक है, बंद करेंगे, कॉमा देंगे। अब यहां पर आप नंबर्स भी दे सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आप जो है टेक्सचुअल वैल्यू ही दो। जैसे यहां पे 4 दे दिया हमने, यहां पे 8 दे दिया हमने, यहां पे 89 दे दिया हमने। तो इसके बाद इसको बंद करना है, ठीक है। तो ये हमने बंद कर दिया, अब हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस कर दिया हमने, अब हम एक्सेस कैसे कर पाएंगे इसको। जैसे हमने किस नाम से बनाया है, टपल वन नाम से बनाया, तो यहां पे लिखिए TUPLE टपल, और यहां पे लिखिए, अब बिना गैप के लिखिएगा क्योंकि ऊपर बिना गैप के है, तो टपल वन। एंटर प्रेस करते ही ये सारे नंबर्स एक ही बार प्रिंट होकर आ जाएंगे, ठीक है। यहां पे देखिए, ये जो जो आपने दिए थे सुमित रितेश, सारा कुछ एक ही बार में प्रिंट होकर आ रहा है। अब इनको एक्सेस करने की बात आती है कि इनको हम एक्सेस कैसे करें। तो हम यहां पे लिखेंगे TUPLE, आप कोई भी बना लीजिए, टपल 5 बना लिया मैंने, ठीक है, सॉरी, इसमें आपको बनाना है टपल 1 हमने कर लिया है, यहां पे लिखूंगा TUPLE टपल 5, अब इज इक्वल टू का निशान, और फिर यहां पे खाली पैरेंथेसिस आप छोड़ दीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा, तो ये टपल हमारा क्रिएट हो गया। अब हम एक्सेस इसको कर पाएंगे, जो डेटा है ना हमारा, इसको एक्सेस कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। कैसे एक्सेस करेंगे वो भी मैं तरीका आपको बताता हूं। यहां पे लिखिए TUPLE टपल, ठीक है, टपल हो गया हमारा, टपल वन है, ठीक है। और इसके बाद जो है, जैसे मशीन लैंग्वेज में क्या होता है कि जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। आपने सी लैंग्वेज भी पढ़ा होगा, तो उसमें भी एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती थी, जीरो से स्टार्ट होती थी। तो अब इसमें हमें क्या लिखना है, टपल वन, अब ये तो हमने लिख दिया टपल वन, ठीक है। अब क्या करना है, टपल वन लिखने के बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट टपल वन। अब जैसे हम दूसरे नंबर की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे क्या है वो हम पता करना चाहते हैं, तो इंटर प्रेस करता हूं, तो देखिए दूसरे नंबर पे सुमित लिखा हुआ है, 0 पर सूरज लिखा हुआ है, 1 पे राम और 2 पे सुमित। चलिए आइए अगला एक्सेस करके देखते हैं। यहां लिखता हूं TUPLE टपल, अब टपल क्या दिया है हमने, यहां पे 5, ठीक है, इसको यहां पे देते हैं और यहां पे देते हैं 5, ठीक है, इंटर प्रेस करता हूं, तो यहां पे देखिए फिर एरर आ रहा है। तो एरर क्यों आ रहा है, यहां पे लिखना है आपको टपल, चेंज करना है इसको, टपल यहां पे 2 दे सकते हैं, और 2 दे करके और यहां पे दे सकते हैं 4, ठीक है। अब ये एक्सेस हो जाएगा, यहां पे एक्सेस नहीं हुआ, एक बार फिर इसको वो करते हैं। यहां पे देखिए पहले ही मैंने गलती कर दी, यहां देखिए लिखना है टपल, ठीक है, और टपल लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां देना है
टपल दे दिया हमने, और 5, 4 जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू दीजिए, और फिर जो है पैरेंथेसिस को खाली छोड़िए, ये चीज़ नहीं हो पाया था। अब इसको करते हैं टपल, ठीक है टपल दे दिया हमने। अब हमको जो एक्सेस करना है वो, तो टपल वन में क्या एक्सेस करना है, टपल वन में हमें एक्सेस करना है, अब मैं देखिए इस पर लिख के दिखाता हूँ आपको, वन से लेकर, यहाँ पे कोलन लगाया है मैंने, वन से लेकर 3 तक की वैल्यूज हमें एक्सेस करनी है। अब जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए 1 से लेकर 3 तक की वैल्यू, यानी 1, 2, 3, 1 से 3, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू 2 और 3। आइए देखते हैं 2 और 3 पे क्या है, ये 0 है, ये 1 है और 2 है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो वैल्यूज हैं 1 से लेकर कहां तक मैंने दिया है 3 तक, तो ये देखिए 1 और 2, यानी कि 3 वाला प्रिंट नहीं हुआ, 2 वाले तक ही ये रह गया, ठीक है। इस तरह से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं आप, और जब भी एक्सेस करना होगा आपको लिखना होगा टपल, ठीक है। अब जैसे आपको एक्सेस करना है तो यहां पे एक बना लीजिए आप, टपल 2 बना लीजिए, ठीक है, यहां पे लिखिए टपल 2 इज इक्वल टू, अब खाली पैरेंथेसिस छोड़ दीजिए, ठीक है। और अब मान लीजिए कि आप छठे नंबर या छठे नंबर की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, इसमें क्या छठे नंबर पे लिखा हुआ है, तो टपल 1 है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और यहां पे लिख दीजिए 5, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, एंटर प्रेस कीजिए, तो ये देखिए छठे नंबर पे 8 मिलेगा आपको। यहां पे गिनते हैं, ए 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी कि 0 से शुरू हुआ है ना, 0, 0, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, यानी छठे नंबर पे क्या है 8 है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे हम इसको कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ टपल, ठीक है, टपल लिखा हमने, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं टपल 3, ठीक है, इज इक्वल टू पैरेंथेसिस खाली छोड़ देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हम अब इसको एक्सेस कर पाएंगे, टी यू पी एल ई टपल, ठीक है। अब टपल क्या है हमारा, टपल 1, अब हमको क्या एक्सेस करना है, हमें एक्सेस करना है 0, 0 से लेकर और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो वैल्यू एक्सेस करनी है, तो 0 to 6 कर दीजिए आप, और ये बंद करिए और एंटर प्रेस कीजिए, और ये देखिए ये एंटर करते ही ये जादू हो जाएगा। तो आई होप कि टपल को हम कैसे एक्सेस करते हैं ये बात समझ में आई होगी, और लिस्ट क्या होती है, लिस्ट जो है लिस्ट की वैल्यू को अपडेट किया जा सकता है, और लिस्ट के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।